हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 10th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर करेंगे। अभी से पहले हमने चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 करके हमने सारे चैप्टर्स का अति लघु उत्तरीय प्रश्न अपलोड कर दिया, जो आप लोगों को प्लेलिस्ट के रूप में चैनल पर मिल जाएगा। आप लोग चैनल पर जैसे ही चेक करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट के फॉर्म में ये सारे जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे 1 से लेकर 4 तक के, वो आपको स्टेप टू स्टेप मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग बढ़ते हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर। तो आप लोग बने रहें, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी तरह के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहेंगे। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, कहता है कि चुंबक के उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो उत्तर इसका हो जाएगा, उसे हम लोग चुंबकीय अक्ष कहते हैं, जो चुंबक के उत्तर और दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हैं। आप लोग पढ़े भी होंगे तो आप लोगों को ये पता होगा कि हम लोग उत्तरी ध्रुव को N और दक्षिणी ध्रुव को S, NS से सूचित करते हैं, और इनको जो मिलाने वाली जो रेखा होती है इसको हम लोग चुंबकीय अक्ष के नाम से जानते हैं, या इसे चुंबकीय अक्ष कहते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन हम लोगों का है, क्वेश्चन नंबर 2 में, इसमें कहता है कि चुंबक के सिरे के निकट का वह बिंदु जहां चुंबक का आकर्षण बल सबसे अधिक होता है उसे हम क्या कहते हैं। फिर से रिपीट करते हैं, चुंबक के सिरे के निकट का वह बिंदु जहां चुंबक का आकर्षण बल, यानी उस स्थान पे जो आकर्षण बल है, चुंबक जो है वो अपने और बहुत ज्यादा बल से खींचता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, उसे हम लोग ध्रुव कहते हैं, इंग्लिश में इसे पोल कहते हैं, और संकेत के रूप में पी लिखते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें कहता है कि क्या दो चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को काट सकती हैं। तो आप सभी को पता होगा जो चुंबकीय रेखाएं हैं एक दूसरे को काटती नहीं है, वो क्या करती है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर सकती हैं, लेकिन एक दूसरे को वो काटती नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल नहीं काटती हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें कहता है कि चुंबक के निकट लाने पर दिक्सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि दिक्सूचक की जो सुई होता है वह भी एक छोटा चुंबक होता है, जब उसे चुंबक के निकट लाया जाता है तो क्रियाशील आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के कारण दिक्सूचक की जो सुई है वो विक्षेपित हो जाती है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें कहता है कि ओस्टेड के नियम के प्रयोग में चुंबकीय सुई के विचलन की दिशा किन किन बातों पर निर्भर करती है। जो ओस्टेड के प्रयोग हैं उनमें जो चुंबकीय सुई का विचलन है, विचलन करने का मतलब वो इधर उधर जो छटक जाता है, इधर उधर चल जाता है, इसकी दिशा किन किन बातों पर निर्भर करती है ये आपको बताना है। तो देखिए, उत्तर में हमने लिखा है कि ओस्टेड के प्रयोग में चुंबकीय सुई के विचलन की दिशा धारा की दिशा के साथ तार चुंबकीय सुई के ऊपर या नीचे, इस बात पर भी निर्भर करती है। कहने का मतलब यह है कि जो स्टड के प्रयोग में चुंबकीय सुई जो विचलन करता है, फर्स्ट पॉइंट तो इसकी धारा की दिशा पर निर्भर करता है कि किस ओर धारा प्रवाहित हो रही है, और सेकंड बात ये निर्भर करता है कि जो इसका तार है वो चुंबकीय सुई के ऊपर है या नीचे है, ये दो बात पर ये निर्भर करती है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 6 पे, क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो ये कहता है कि परिनालिका किसे कहते हैं। ठीक है, परिनालिका किसे कहते हैं। तो उत्तर में हमने लिखा है कि जब एक लंबे विद्युत रोधी चालक तार को सर्पिल रूप में इस प्रकार लपेटा जाए कि तार के फेरे एक दूसरे से अलग परंतु अगल बगल हों, तो इस प्रकार की व्यवस्था को परिनालिका कहा जाता है। ठीक है, यानी इसमें क्या होता है कि एक दूसरे के ऊपर न चढ़ा हुआ हो लेकिन एक दूसरे का अलग बलग हो, जैसे देखिए ऐसे। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो ये बन रहा है इस चीज को हम लोग परिनालिका कहते हैं। तो समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे,
जिसमें कहता है कि क्रोड किसे कहते हैं। तो आइए इस प्रश्न का भी उत्तर जान लेते हैं। उत्तर में हमने लिखा है कि परिनालिका के अंदर नर्म लोहे का छड़ रखने पर धारा के कारण छड़ चुंबकित हो जाती है, तो ऐसा जो छड़ होता है उसे हम लोग क्रोड कहते हैं। ठीक है, ऐसे छड़ को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोड बोलते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र के 3 स्रोतों की एक सूची बनाइए। चुंबकीय क्षेत्र के 3 स्रोतों की एक सूची बनाइए, तो हमने बनाया है। फर्स्ट में हमने लिखा है प्राकृतिक या कृत्रिम चुंबक, सेकेंड में हमने लिखा है विद्युत चुंबक, और थर्ड में लिखा है एक चालक, एक कुंडली एवं एक परिनालिका जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, ये तीनों मिलकर के चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है। फिर से रिपीट कर देते हैं, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है। तो उत्तर में हमने लिखा है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल तब अधिकतम होता है जब धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है। यहाँ पे ध्यान रखना, धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के दिशा के लंबवत होना चाहिए, तो इस कंडीशन में जो आरोपित बल है वो बहुत ज्यादा होगा, अधिकतम होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं। तो उत्तर में हमने लिखा है कि परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र जिसे फ्लक्स भी कहते हैं के कारण किसी चालक में धारा उत्पन्न होने की घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। फिर से रिपीट, परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में धारा उत्पन्न होने की घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि विद्युत मोटर में ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है। तो हमने लिखा है कि विद्युत मोटर में ऊर्जा का जो रूपांतरण होता है वो यांत्रिक ऊर्जा में होता है, यानी विद्युत मोटर में पहले विद्युत ऊर्जा एंट्री करती है और ये विद्युत ऊर्जा एंट्री करने के बाद ये मोटर क्या करती है, यांत्रिक ऊर्जा में उसे परिवर्तन कर देती है, परिवर्तित कर देती है या रूपांतरण कर देती है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे ही इसमें मोटर में इलेक्ट्रिक जाता है यानी करेंट जाता है तो इसका धुरी घूमना स्टार्ट कर देता है, घूर्णन करना स्टार्ट कर देता है, और इसके पुली को अगर किसी चीज से, हैंडपंप से या मतलब कोई भी मशीन से जोड़ दिया जाता है तो वो भी चलना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो विद्युत मोटर है वो उसे यांत्रिक यानी मशीन ऊर्जा के रूप में उसे कन्वर्ट कर देता है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें कहता है ऐसी कुछ युक्तियों के नाम लिखिए जिनमें विद्युत मोटर उपयोग किए जाते हैं। ऐसे कुछ युक्तियों के नाम लिखिए जिनमें विद्युत मोटर उपयोग किए जाते हैं। तो उत्तर में हमने लिखा है जैसे कि विद्युत पंखा, कूलर, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, इन सभी में विद्युत मोटर उपयोग किए जाते हैं। साथ में आज के समय में खिलौने भी ऐसे हैं जिनमें विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप इन सारे चीजों को यहाँ पे लिख सकते हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है। तो देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि विद्युत मोटर का सिद्धांत यह है कि जब धारावाही कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह कुंडली एक बल आघूर्ण का अनुभव करती है, इसके परिणाम स्वरूप कुंडली घूर्णन करने लगती है, तो मोटर का सिद्धांत यही है। ठीक है, अब बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि विद्युत जनित्र, जनित्र का मतलब बच्चे यहाँ पे होता है जनरेटर। ठीक है, जनित्र का मतलब क्या होता है, जनरेटर। तो कहता है कि विद्युत जनित्र क्या है। तो उत्तर में हमने लिखा है विद्युत जनित्र एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यहाँ पे ध्यान देना, मोटर में, विद्युत मोटर में और विद्युत जनरेटर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। विद्युत जो मोटर है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, जबकि जो विद्युत जनित्र है ये आंतरिक ऊर्जा को किस चीज में कन्वर्ट कर देती है, तो ये विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है, कन्वर्ट कर देती है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि विद्युत जनित्र का क्या सिद्धांत है और उसके सिद्धांत को आपको लिखना है। तो उत्तर में हमने लिखा है कि विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। विद्युत जनित्र द्वारा विद्युत उत्पन्न करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र में चालक के घूर्णन के लिए यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि विद्युत जनित्र का क्या उपयोग है। तो देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि विद्युत जनित्र का उपयोग यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि दिष्ट धारा के कुछ स्रोतों के नाम लिखिए। दिष्ट धारा का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डीसी, डीसी करंट। ठीक है, डीसी करंट यहाँ से पूछा है कि डीसी करंट के कुछ स्रोत के नाम लिखिए कि डीसी करंट कहाँ से उत्पन्न होता है। तो हमने लिखा है डीसी करंट आपको संचायक बैटरी या इसको सेल भी कह सकते हैं। जो बैटरी होता है हम डायरेक्टली यहाँ सेल भी लिख सकते थे, सोर सेल यहाँ पे लिखा है और डीसी जनरेटर लिखा है। इन सारे चीजों से यहाँ से आप डायरेक्ट करंट को निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आइए। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि प्रत्यावर्ती विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले स्रोतों को नाम स्रोतों के नाम लिखिए। देखिए यहाँ पे प्रत्यावर्ती करने का मतलब एसी, एसी धारा कहाँ से उत्पन्न होती है, इनके कुछ स्रोत के नाम लिखना है। तो एसी जनरेटर से उत्पन्न होते हैं और उसी लेटर से ये उत्पन्न होते हैं एसी करेंट। ठीक है, अब बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि विद्युन्मय उदासीन या भू तारों के विद्युत रोधी आवरण सामान्यतः किस किस रंग के होते हैं। तो इसका उत्तर हमने यहाँ पे लिखा है, जो विद्युन्मय होगा वो लाल रंग का होगा, उदासीन होगा वो काले रंग का होगा, और जो भू तार होगा उसको हम लोग हरे रंग से डिनोट करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 का भी आंसर आपको मिल गया। अब पढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि किसी विद्युत परिपथ में लघु पतन कब होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिल गया है कि प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि विद्युत परिपथ में लघु पतन का कब होता है या विद्युत परिपथ में लघु पतन क्या होता है। तो इसका उत्तर हमने लिखा है कि जब जीवित तार, जीवित तार कहने का मतलब विद्युन्मय तार जिसमें करंट पार कर रहा हो। ठीक है, जब जीवित तार एवं उदासीन तार आपस में संपर्क में आ जाते हैं तो लघु पतन की घटना घट जाती है। और लघु पतन की घटना जब घटती है तो बहुत सारे जिसको हम लोग शॉर्ट सर्किट भी कह सकते हैं, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट जैसे समस्या देखने को मिल जाती है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि भू संपर्क तार का क्या कार्य है। देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि भू संपर्क तार का मुख्य कार्य है झटका से बचाना, जिसका संपर्क मेन फ्यूज से होता है। यानी इसका जो काम है मुख्य रूप से ये झटका से बचाना है। झटका करने का मतलब करंट के ज्यादा कम होने की जो स्थिति है इससे बचाने के लिए ये किया जाता है, और इसका जो कनेक्शन होता है वो मेन फ्यूज से होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आइए अब 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि घरेलू कार्यों के लिए व्यवहार की जाने वाली बिजली क्या है, यानी घर में जो यूज करते हैं अपने कार्यों को पूरा करने के लिए वो बिजली कितना का होता है या वो कितना क्या है। तो देखिए उत्तर में हमने लिखा है 5 एम्पियर की होती है, और अगर आपसे ये पूछा जाए 10 एम्पियर या 15 एम्पियर तो ये सब क्या हो जाएगा, ये सब जो बिजली हो जाएगा वो पावर हाउस के लिए हो जाएगा या मतलब बाहर के लिए हो जाएगा। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पे, जिसमें कहता है कि घरों के विद्युत परिपथ में विद्युत उपकरण किस क्रम में जोड़े जाते हैं। तो जो घर के विद्युत परिपथ में जो उपकरण जोड़े जाते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे पंखा की बात कर रहे हैं, कूलर की बात कर रहे हैं, सब जो जोड़े जाते हैं बच्चों वो समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समांतर क्रम। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें कहता है कि मुख्य धारा में वोल्टता का अधिकतम मान किसके जिसके लिए फ्यूज पिघल जाता है वो फ्यूज के किस गुण को निर्धारित करता है। यानी मुख्य धारा में वोल्टता अधिकतम मान, यानी कहने का इसका मतलब है कि जब हम करंट को पास कराते हैं तो उसमें जो वोल्टता है वो बहुत ज्यादा है, अधिकतम है, इसके बाद जो फ्यूज को देखा जाता है तो वो पिघल जाता है, और जब वो पिघल जाता है तो वो किस गुण को बताता है। तो उत्तर में हमने लिखा है
फ्यूज की ये क्षमता को बताता है कि फ्यूज की क्षमता कितनी है। ठीक है, अब बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 पे। एक क्वेश्चन में कहा गया है कि क्या मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम में मुट्ठी की अंगुलियों की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो बिल्कुल हाँ होगा। जैसे आप मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम में देखेंगे तो मुट्ठी की जो अंगुली की दिशा है वो चुंबकीय क्षेत्र की ओर इंडिकेट करते रहेगी। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 25 को भी कंप्लीट कर लिया और हमारे चैप्टर में 25 और अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए थे। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगता है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। आप लोगों को जो भी डाउट हुआ तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ही पूछिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।